नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। पिछली बार हमने बात की थी पुष्कर विधानसभा सीट की और आज हम बात करेंगे नागौर विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में मौजूद है नागौर जिला, जहां बसा है नागौर विधानसभा क्षेत्र। नागौर शहर के अंदर 7 खूबसूरत दरवाजे हैं। बता दें, नागौर दुर्ग की सुरक्षा करने के लिए ये 7 दरवाजे बनाए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था बाहरी हमलावरों से रक्षा करना। बाहरी दुश्मनों के हमले की सूरत में किले से ध्यान भ्रमित करने के लिए ये 7 दरवाजे बनाए गए थे। एक विशेष बात ये भी है कि नागौर के हर दरवाजे के बाहर गणेश जी का मंदिर बनाया गया। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और नगर के हर संकट को टालने के लिए ये मंदिर बनवाए गए। साथ ही हर दरवाजे के पीछे तालाबों का निर्माण भी हुआ था, लेकिन अब कुछ तालाब विलुप्त हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि इन 7 दरवाजों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। अब यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहाँ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा पर बीजेपी ने दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने हरिंद्र मिर्धा को मौका दिया है। अब नजर डालें 2018 के चुनाव पर, तो यहाँ बीजेपी नेता मोहनलाल चौधरी ने जीत हासिल की थी। नागौर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है और आपको बता दें कि नागौर विधानसभा सीट पर लगातार 3 साल से बीजेपी जीत दर्ज करती आई है। अब बात करें नागौर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 2,69,000 के आसपास मतदाता हैं। नागौर विधानसभा सीट को मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की। इसके बाद जाट, मूल ओबीसी, माली वोटर्स भी यहाँ प्रभाव रखते हैं। इस बार नागौर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।